हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल को होस्ट कैसे करें, अपने HTML CSS फाइल को लाइव कैसे करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज या स्कूल में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि HTML कोड को लाइव कैसे करें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहले यहाँ पर मैं एक क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक लॉगिन पेज को होस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर एक टाइप कर लो, लॉगिन पेज जावा पॉकेट। तो यहाँ पे ये ओपन करके देखते हैं। समझ लो कि हाँ, ये इसको कॉपी कर लेते हैं। इसका इंटरफेस ऐसे आएगा। तो यहाँ पर इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। इसमें कोड को मैंने कॉपी कर लिया। अभी आपको आना है नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद इसको आप एक सेव कर दो। डेस्कटॉप पे करना है। तो यहाँ पर इस फाइल का नाम लिखना है। अगर आप होस्ट करना चाहते हो, जैसे कि आपने कोई भी फॉर्म को बनाया है या कुछ वेबसाइट बनाई है, आपने स्टैटिक वेबसाइट बनाई है, तो उस फाइल का नाम index.html से ही सेव करो। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं index.html। यहाँ से ही आपकी वेबसाइट होस्ट होगी। मतलब ऐसे नाम रहेगा तभी आपकी वेबसाइट होस्ट होगी। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कट कर दिया। अभी ये इंडेक्स फाइल मेरी बन गई है। इसको मैं ओपन करके देखता हूँ। हाँ, तो मेरी फॉर्म ऐसे आ रही है। इसको मैं अभी होस्ट कैसे करता हूँ मैं बताता हूँ। नेट लीफी, ये आपके जो इसकी पेज जो दिख रही है नेट लीफी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो पहला वाला आ रहा है नेट लीफी का, इस पर आप क्लिक करो। तो यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करना है। न्यू अकाउंट बनाएंगे हम, पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। ईमेल पे क्लिक करो। यहाँ पे मैं एक न्यू अकाउंट बनाना चाहता हूँ। तो तो यहाँ मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा। तो बता रहा है लिस्ट 10 कैरेक्टर का होना चाहिए। मैं इसको यहाँ पे अब तो हो जाना चाहिए। सेव कर दो। तो मेरे पास मेल आया है इसको कंफर्म करने के लिए। इसको लॉगिन कैसे करना है? अभी हो गया। अभी लॉगिन पे क्लिक करना है। अपने लॉगिन कर लो। तो जो स्क्रीन पे पूछा तो यहाँ पर भी पूछ लिया कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको सेटअप कंटिन्यू। यहाँ पर आपका आ गया है कि यहाँ पर अब जो भी आपकी HTML CSS के फाइल है उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कि कैसे करना है।
आपको 2 सेकंड लगेंगे इसको अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आ रहा है इसकी स्टेप, इसको स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं पूरा इसका इंटायर डिस्प्ले दिखा देता हूँ कि इसका मेनू कैसा है। तो अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको फाइल को लाना। तो अभी तो मेरा ये फाइल है, तो ऐसे तो होगा नहीं, पहले एक फाइल क्रिएट करता हूँ मैं। फाइल का नाम लॉग इन पे डाल दिया। अभी इस फाइल को इसमें ला के पेस्ट कर दिया। तो अभी फिर हम यहाँ पे क्रोम पे जाएंगे, अपने नेट लिफी मेनू पे गए, फिर यहाँ पर जो ड्रैग एंड ड्रॉप योर साइट आउटपुट फोल्डर है, अपने फोल्डर को यहाँ पे इसको ड्रैग करके लेकर आना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना। बस आपको बस लाना है यहाँ पे, आपको 2 सेकंड में आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। देखो गाइस, आपकी जो वेबसाइट वो लाइव हो चुकी है। मैं इसको लाइव दिखाता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ, ये देखो आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। अभी मैं दिखाता हूँ इसका ये जो डोमेन है, ये इसको चेंज कैसे करते हैं। ये यहाँ पर आना है आपको डोमेन सेटिंग में, डोमेन सेटिंग में आना है, फिर यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करना है, एडिट साइट नेम, यहाँ पे अपना कुछ भी डाल दो, लॉगिन पेज इस सारी ऑलरेडी कुछ। ओके एक मिनट, तो स्टार पेज न्यू। देखो गाइस, यहाँ पे आपका ये जो डोमेन नेम है वो चेंज हो चुका है, स्टार पेज न्यू डॉट नेट लिफी डॉट ऐप। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपका स्टार पेज न्यू डॉट नेट लिफी डॉट ऐप से आया है, यहाँ पे आपका हो चुका है। ये सिंपल स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म है, आप जो कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज या स्कूल में है तो ये प्रोजेक्ट आप दिखा सकते हो अपने टीचर को। एक छोटी सी फाइल है ये, एचटीएमएल सीएसएस की लॉगिन पेज है ये। आप छोटा सा प्रोजेक्ट आप अपने कॉलेज में दिखाइए, ज़रूरी है, टीचर लोग बहुत खुश होंगे आपके प्रोजेक्ट से कि आपने छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया और उसको होस्ट भी करे हो, लाइव लेकर आए हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि हमारी जो नई वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी।